हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खाड़ी का एक और परफ्यूम विच इज़ खाड़ी कराची 021। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि खाड़ी ने बहुत बड़ी रेंज ऑफ परफ्यूम एक लॉन्च की है, जिसमें तकरीबन 10 सीरीज़ हैं और उन 10 सीरीज़ के अंदर टोटल मिला के 39 परफ्यूम्स हैं। तो उन 39 परफ्यूम्स में से मैंने 4 परफ्यूम्स परचेज़ किए थे और एक हॉल की आपको वीडियो भी शेयर की थी। तो दिस इज़ द सेकेंड वन विच आई एम रिव्यूइंग टुडे। बट बिफोर मूविंग ऑन टू द वीडियो, प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो मुझे कॉमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा अपनी सजेशंस कि आप लोग और किन परफ्यूम्स के ऊपर रिव्यूज़ देखना पसंद करेंगे। सो नेक्स्ट अप इज़ खाड़ी कराची परफ्यूम। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें कराची लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसमें 021 लिखा हुआ है, विच इज़ सिटी कोड, टेलीफोन कोड ऑफ ईच सिटी। तो इस सीरीज़ में 3 परफ्यूम्स हैं, एक कराची है, एक लाहौर है और एक इस्लामाबाद है, जो कि 021, 051 और 042 रिस्पेक्टिवली है कंट्री कोड्स के, सिटी कोड्स के साथ। सॉरी, ये भी 100 ml का परफ्यूम है और ये भी मेड इन UAE ही है। पैकेजिंग आप इसकी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि ये कराची परफ्यूम है। तो इसमें देखें आप, कराची के डिफरेंट एरियाज़ को मेंशन किया हुआ है, उसकी डिफरेंट पोर्ट्रेट्स बनाए हुए हैं। इसके अलावा ट्रक आर्ट इसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने वाजे किया हुआ है, बहुत खूबसूरत पैकेजिंग है। लेट्स ओपन इट एंड सी हाउ इट इज़। तो ये आप अगेन देख सकते हैं इसकी बॉक्स कितना खूबसूरत है और बहुत ही प्यारे कलर्स, बहुत ही खूबसूरत पैकेजिंग है। पूरे कराची का एक तरह से माहौल जैसा बनाया हुआ है, तो बहुत ही खूबसूरत पैकेजिंग है इसकी। तो अब इसकी बॉक्स को से बॉटल को निकाल लेते हैं और देखते हैं कि इसकी फ्रेग्रेंस वगैरह कैसी है, और फिर मैं आपको अपना थोड़ा सा रिव्यू इसके ऊपर बता देती हूँ कि किस तरह की इसकी फ्रेग्रेंस है। ये वाला जो परफ्यूम है, ये मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैंने वेबसाइट से देख के, नोट्स वगैरह देख के इसको शॉर्टलिस्ट नहीं किया था, लेकिन फिर मैंने इसको स्टोर में जाके अब इसकी स्मेल देखी थी, तो उसके बाद मैंने इसको फाइनलाइज़ किया था और उसके बाद मैंने इसको परचेस किया है। इसकी बॉटल आप देख सकते हैं कितनी प्यारी है, इट्स अ ब्यूटीफुल बॉटल, कम्प्लीटली ग्लास बॉटल है और वन ऑफ माई फेवरेट बॉटल्स। बॉटल इसकी स्क्वायर शेप्ड की है और मुझे स्क्वायर शेप की बॉटल्स बहुत अच्छी लगती हैं परफ्यूम्स की, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉटल है, तो ये तो बहुत ही खूबसूरत है। मतलब ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉटल बहुत एलिगेंट लगती हैं परफ्यूम्स की, और इसके अंदर जो परफ्यूम है वो भी कलर्ड है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे कलर्ड परफ्यूम के जो लिक्विड्स होते हैं वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं। प्लस इसका अगर आप लिड देखें तो वो एक वुडन लिड है, बहुत ही प्यारा है और बहुत फिक्स्ड है लिड, ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसा है कि ओपन हो जाए इजीली। अच्छा, वैसे ही परफ्यूम की बॉटल भी बहुत खूबसूरत है और पैकेजिंग भी और कलर्स वगैरह भी, लेकिन इसको आई डोंट नो कि गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं या नहीं। आप लोग मुझे सजेस्ट करें कमेंट्स में कि आप लोग इसको गिफ्ट के तौर पर देना पसंद करेंगे, बिकॉज आई डोंट नो कि ये एक सिटीज़ के ऊपर है तो ये गिफ्ट देते हुए अच्छा लगेगा या नहीं। सो इसकी जो टॉप नोट्स हैं वो हैं बर्गमॉट, ब्लैक करंट एंड रूबार्ब। इट्स मिडल नोट्स आर फ्लोरल विच आर रोजेज एंड मैग्नोलिया, बट आई कैन ऑल्सो स्मेल जैसमिन इन इट, ऑल्दो इट इज़ नॉट लिस्टेड ऑन द वेबसाइट, बट आई कैन स्मेल जैसमिन इन इट। एंड इट्स बेस नोट्स आर सीडरवुड एंड मस्क, सो इट इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ द फर्स्ट वन, बिकॉज इट डजेंट हैव एनी नोट विच इज़ स्वीट। इवन जो कि बेस नोट है इसकी, उसमें जो वुड है इट इज़ ऑल्सो सीडर वुड, इट इज़ नॉट सैंडल वुड। सैंडल वुड इज़ कंपेरेटिवली स्वीटर दैन सीडर वुड, सीडर वुड इज़ नॉट स्वीट, एंड द बेस नोट इज़ मस्क। सो द फ्रूट्स इन द टॉप नोट्स आर ऑल्सो नॉट स्वीट फ्रूट्स, इट इज़ बर्गमॉट एंड ब्लैक करंट, दे आर बोथ फ्रेश एंड फ्रूटी बट दे आर नॉट स्वीट। आई डोंट गेट द फ्रूट्स इन द टॉप नोट्स मच, बट कुछ ब्लैक करंट समझ में आता है, और मेनली ये जो परफ्यूम है इट्स अ फ्लोरल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, और बहुत ही फ्रेश, बहुत ही फ्लोरल, और बहुत जिन लोगों को स्वीटनेस बिल्कुल पसंद नहीं होती फ्रेग्रेंसेस में, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है एंड आई रियली लाइक इट। मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्पॉइलर अलर्ट दे देती हूँ कि जितने भी ये 4 फ्रेग्रेंसेज मैंने परचेस किए हैं, इनमें से सबसे फेवरेट मेरा यही है कराची 021, क्योंकि ये फ्लोरल है एंड आई रियली लाइक फ्लोरल नोट्स, और फ्लोरल में भी इट्स नॉट स्वीट, क्योंकि फ्लोरल के साथ जो स्वीटनेस का कॉम्बिनेशन है आई डोंट रियली लाइक इट। वन ऑफ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इट इज़ पनाच, बोनेंजा पनाच, जिसमें जो कि बहुत अच्छा फ्लोरल फ्रेग्रेंस है, लेकिन उसमें जो स्वीटनेस है आई डोंट लाइक दैट।
और जैसा कि आप लोगों को अभी तक समझ आ चुकी होगी कि इट्स अ समर एंड स्प्रिंग फ्रेग्रेंस और विंटर ही फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी नहीं है, इट्स अ फ्रेश फ्लोरल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, वेरी हैप्पी एंड आई रियली लाइक दिस फ्रेग्रेंस और समर्स डे टाइम्स के लिए तो परफेक्ट है। इवन समर्स में ये फॉर्मल इवेंट्स के लिए भी बहुत बेस्ट फ्रेग्रेंस है, इट्स अ रोमांटिक काइंड ऑफ समरी स्प्रिंग फ्रेग्रेंस, फ्लोरल फ्रेग्रेंस है लेकिन बेस्ट फ्लोरल फ्रेग्रेंस है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस का ये। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो खाड़ी का 0-1 फ्रेग्रेंस है इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू सफायर्स डायमंड फ्रेग्रेंस। सफायर डायमंड भी बिल्कुल फ्लोरल फ्रेग्रेंस है और टॉप नोट थोड़ी सी फ्रूटी हैं और वाइट फ्लोरल है जो कि बहुत खूबसूरत फ्रेग्रेंस है और मेरी बहुत फेवरेट है। आप लोगों ने जो लोग मेरा चैनल देखते हैं उनको पता होगा कि मुझे डायमंड फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है सफायर का। इट्स द मैग्नोलिया फ्लावरी फ्रेग्रेंस विच मेक्स देम क्वाइट सिमिलर और वही फ्रेग्रेंस है जो कि मुझे बहुत पसंद है फ्लावरी। तो मैं तो डेफिनेटली इसको रेकमेंड करूँगी कि खाड़ी का जो 0-1 है बेस्ट है, जो ब्लाइंड बाय करने के लिए भी बेस्ट है, परचेज कर सकते हैं इजीली लाइकेबल है। वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि जिस तरह की मैंने बताया कि दिस परफ्यूम इज़ वेरी सिमिलर टू सफायर्स डायमंड फ्रेग्रेंस और सफायर डायमंड की जो प्राइस है वो है 29.90 जबकि इसकी प्राइस है सिर्फ 18.90 400 ml। तो अगर आप ये वाला परफ्यूम परचेज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ सफायर डायमंड तो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ अमाउंट। बस जो थोड़ा सा फ़र्क है वो सिर्फ इतना है कि सफायर इज़ मोर फ्रूटी देन दिस परफ्यूम एंड दिस परफ्यूम इज़ अ लिटिल बिट मोर मस्की देन सफायर्स परफ्यूम। बट ये इतनी ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं होती चीज़ें, मतलब ओवरऑल फ्रेग्रेंसेज आर सेम, फ्लोरल फ्रेग्रेंसेज हैं। अच्छा अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये 5-6 घंटे तक स्किन पे स्टे करता है और आपके क्लोथ्स पे तो ज़्यादा देर तक के लिए स्टे करता है और ज़्यादा तकरीबन 8 घंटे तक ये स्टे करता है बहुत अच्छी कंडीशन में। तो ये बहुत अच्छा कोई कैजुअल समरी फ्रेग्रेंस है, एवरीडे यूज़ के लिए बेस्ट है और मुझे बहुत पसंद आया। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस। आई थिंक दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कमेंट्स में प्लीज़ अपनी सजेशंस और अपनी राय प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।